It's me Candy, your black cat and welcome back to another vlog। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब करो और सबको लाइक करो, कृपया करो और लाइक करो। है कि मेरे को बर्थडे गिफ्ट जो मिला है वो यूज़ करूँगी, जिम वाला बर्थडे गिफ्ट। देखो तो मुझे बर्थडे में ये जिम पैंट मम्मी ने दिया था और ये जिम बैग रितु ने दिया था, तो आज मैं ये दोनों यूज़ करूँगी। और लिटरली एक महीने बाद जिम जाऊँगी। मैं पूरा जून नहीं गई थी जिम, क्योंकि मेरे को दिल्ली भी जाना था। मैं बोली क्या फीस देना है बिना बिना मतलब, तो एक महीना पूरा रेस्ट था। और आज है 1 जुलाई और पूरा का पूरा फ्रेश स्टार्ट विथ जिमिंग, तो रेडी होते हैं। और हियर आई एम जिम रेडी, पिंक पिंक। चलो जाते हैं जिम। ये वर्कआउट करके सच में कंफर्टेबल था एंड या मस्त वर्कआउट हुआ। बहुत दिनों बाद मैंने फुल बॉडी किया था एंड उसके बाद रोड में मुझे ये रथ दिखा। आज रथ यात्रा है। The next morning आज है मंडे और मेरा जिम नहीं है, तो पहले तो मैं रूटर में स्ट्रीम किया और अभी स्ट्रीम हो चुका है। तो अभी मैं और मम्मी जाएंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा काम करने। क्या हुआ? ये मुझे बुला रहा है, क्या हुआ? हाँ फिर ये तो देखो, ये कितना क्यूट दिखता है। तो काम ये है कि आज हम लोग पहला जाएंगे, जो सब शॉपिंग करके आई हूँ उसका जो ब्लाउज पीस वगैरह है उसको टेलर के पास देना है। या जो लहंगा भी है, लहंगे का साइड का पूरा यू नो सिलना पड़ेगा क्योंकि वो फोल्ड लाइक सिला हुआ नहीं है, तो ये सब करने जाएंगे। तो थोड़ा पहले ही चालू कर रहे हैं क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है। दुर्गा पूजा के टाइम टेलर लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। दुर्गा पूजा के बाद ही भाई का शादी है, इसलिए अभी से पूरा ताम झाम रेडी। तो इसके पहले अभी ना ब्लैकी ना 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, उसके पीठ में ना रैशेज हो रहा है, गर्दन से पीठ से डैंड्रफ काइंड ऑफ। तो उसके लिए ये वाला दवा खरीदे हैं। एक दिन बाद मैं दे रही हूँ। मैं सोची तुम लोगों को भी दिखा देती हूँ अगर तुम लोगों के डॉग का ऐसा प्रॉब्लम है तो। ये रहा इसका नाम। बहुत सुंदर स्प्रे है, पता है? उसको एकदम दे दो और वो इरिटेट भी नहीं होता उससे। ये देखो नाम देख लिया। और ब्लैकी को अभी मैं ये देखो खुद दे रहा है। और इतना नो 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 पोछ रहा था एकदम। नो हम लोग अभी निकल रहे हैं। यहाँ पे बैग भर के मम्मी वाला कपड़ा ले लिए हैं और मम्मी का आज ब्लाउज बनाएंगे। मम्मी का 2 ब्लाउज बनाना देंगे और मेरा एक जो लिया था उसका थोड़ा अजीब ही ज़्यादा ही शरीफ वाला था, तो उसको थोड़ा फैशनेबल बनाएंगे। तो आई थिंक मम्मी बोल रही थी स्कूटी से चल, पर मैं बोली कि नहीं यार जाते हैं टोटो में ही जाते हैं, कौन गाड़ी चलाएगा गर्मी में। यहाँ पे टोटो पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं। मम्मी आज सुंदर दिख रही है, थोड़ी सी पतली भी हो गई है। आज मम्मी ने अपने जो कुर्ती है वो सब ढीला ढीला हो गया था, वेट लूज किया है ना, तो वो सब यू नो फिटिंग करा खुद से। अब एकदम ओपी। इस जगह का नाम मालदा चित्तौरंजन है और ये यहाँ थोड़ा सा पुराना है। तो ये वाले टेलर के पास हम लोग आए और उसके बाद थोड़ा बहुत मम्मी के एक ब्लाउज में स्लीव लगाना था एक्स्ट्रा, तो इसके लिए थोड़ा बहुत खरीदे किए। एंड यहाँ पे हम लोग फाइनली आए हैं, तो इनसे बात की है कि क्या करना है क्या नहीं। वो लड़की टेलर देखते ना, वो तो लड़की टेलर ऐसे भी नहीं मिलता है, तो ये आंटी बहुत ही है। हम लोग पहले भी बना चुके हैं, तो अभी थोड़ा यू नो मैच वो मेरा एक ब्लाउज़ है जो कि रेडीमेड खरीदी थी, पर उसको थोड़ा फैशनेबल बनाऊंगी बोल के थोड़ा और कपड़ा खरीदना पड़ेगा, तो अब वही लेने जा रहे हैं। हम लोग जिस दुकान में जा रहे थे उसके रोड में ही हमें मिला कुल्फ़ी वाला। अब कुल्फ़ी को मना कैसे कर सकते हैं, कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा ठंडा ठंडा इतने गर्मी में मज़ा आएगा बोल के कुल्फ़ी खाए। वैसे कुल्फ़ी थोड़ा सा गला हुआ था, पर टेस्ट सच बताऊं बहुत ज़्यादा यमी था और पूरा एकदम केसर 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 पिस्ता कुल्फ़ी वाला। मैं और मम्मी दोनों ने खाया। एंड उसके बाद हम लोग शॉप पे गए और थोड़ा मुझे येलो एंड वाइट थोड़ा कपड़ा लेना था, वो लिए। एंड फिर वापस आए, वापस आके यू नो फिर आप पूरा नाप दिए ताकि ब्लाउज़ पूरा परफेक्ट बने। और यहाँ पे मम्मी की जो लहंगा है वो साइड का वो सिलाई हो रही है। एंड उसके बाद मम्मी को पूरा एकदम मस्त डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैंने एकदम दिया है, क्या कैसे कैसे होगा जब मम्मी पहनेगी तब देखना। एंड उसके बाद फाइनली मैंने एकदम मस्त मस्त सा एकदम डिज़ाइन दिया, उसको पूरा का पूरा समझाया अच्छे से कैसे क्या करना है, कितना तक नाप लेना है, क्योंकि यू नो ज़्यादा यहाँ पे फैशनेबल कपड़े लोग नहीं पहनते तो उनको समझाना पड़ता है। फिर माओ का खाना ऑर्डर दिए थे पर वो आया नहीं था तो एक छोटा पैकेट ख़रीद लिए माओ का। मम्मी को एग रोल खाना है, आज ही तारीफ की कि पतली हो गई है, अभी एग रोल खाना है। तो अभी हो गया पैकिंग, माओ का कैट फूड ले लिए। मतलब पर्शियन कैट पालो ना तो भी वो घर का मछली खा ले, पर हमारा माओ एकदम देसी होके अलग ही उसका भाव है। तो अभी घर जा रहे हैं फाइनली। फिर घर घुसते घुसते भाई ने हम लोगों को ये खाया खिलाया, नैचोस के साथ चीज़ कुछ तो था लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी था। और उसके बाद फिर घर चले गए। अच्छा देखो खाना देख के कितना खुश माओ पाओ कम कम हैव इट माओ गानो गानो खुशी से पागल हो गया। अरे तो इधर दीची आया 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 दिवो कदा दिवो फायदा से इधर से उधर हो रहा है। माओ माओ ओ माओ ओले बाबले ओले बाबले। आज क्या है खाने में, ये है रेशमी कबाब मसाला जो कि मम्मी ने बनाया है एंड रोटी। इसको भाई इसको ऐसे खाने में ज़्यादा मज़ा है। चलो खाते हैं। पेट भर के खा तो लिए हैं लेकिन बहुत दिन हो गया मैं फेस मास्क नहीं यूज़ की हूँ, तो आज सोचा कि फेस मास्क और ये खोल थोड़ा छीटा पड़ा, देखो इतना सीरम रखा है। तो सोच रही हूँ कितनी नाटी हूँ यार, ऐसे खड़े होना पड़ रहा है। सोच रही हूँ फेस मास्क यूज़ किया जाए। गुड नाइट क्रश, गुड नाइट, गुड नाइट। इतना क्यूट से बैठा है देखो। चलो 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 चलो।